हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम अर्जुन है, जैसे सुन भैया ने आपको बता दिया, अर्जुन ठाकुर, मैं रियासी से हूँ। तो आज कुछ प्यारी सी शायरी आपके सामने पेश करूँगा। उसमें जैसे आपने देखा ही है कि थोड़ा लड़कियों में ना नखरा थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो जायज़ भी है कि बनता भी है उनका, लेकिन नखरा थोड़ा ज़्यादा होता है। तो उसी को लेकर कुछ कि यूं नकार कर हमें हमारी चाहतें तार तार कर देती हैं, यूं नकार कर हमें हमारी चाहतें तार तार कर देती हैं, प्यार तो करती है पर इनकार कर देती है, और मुड़कर देखती है हमें यूं बेसब्रों की तरह, मुड़कर देखती है हमें यूं बेसब्रों की तरह, निगाहों से ही कत्ल हर बार कर देती है। डिस्टेंस रिलेशनशिप रहती है, ठीक है, तो उसमें कई प्रॉब्लम्स आती हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। तो उसमें यह है कि चेहरे पे खामोशी मुस्कुराहटों से मिले बिना, चेहरे पे खामोशी मुस्कुराहटों से मिले बिना, नज़रों से नज़रें होठों से होठ मिले बिना, यादों से भी सिमटने लगे हैं उनकी, यादों से भी सिमटने लगे हैं उनकी, पता है हमें जो दो पल नहीं गुजारा करता था, दो साल हो गए मिले बिना। अब उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। एक झलक के मोहताज हैं, एक आरजू से मर जाएंगे, एक झलक के मोहताज हैं, एक आरजू से मर जाएंगे, लौट कर आएंगे तब ना जब उनकी आंखों से बच पाएंगे। एक झलक के मोहताज हैं, एक आरजू से मर जाएंगे, लौट कर आएंगे तब ना जब उनकी आंखों से बच पाएंगे, और करीब आएंगे वो हमारी मौत के बाद, बस इसी बात का गम है, और करीब आएंगे वो हमारी मौत के बाद, बस इसी बात का गम है, हमें आग क्या जलाएंगे, हम उनकी आहट से जल जाएंगे। अब क्या है कि थोड़ा मतलब हमें जो मतलब रिलेशनशिप में हमारे साथ है, लेकिन डेट कहीं और भी हो रही है, तो इस बात का जो है हमें जो है खबर लग जाती है, तो हम भी पहुंच जाते हैं, पूरा सेटअप तैयार होता है, डेट हो रही होती है, तो हम पहुँच जाते हैं। तो हम जाके पूछते हैं, प्यारे शायर, हमने पूछ लिया कि बिन बात के ये सजावट किस बात की, बिन बात के ये सजावट किस बात की है, बिन चले ये आहट किस बात की है, बिन बात की ये सजावट किस बात की है, बिन चले ये आहट किस बात की है, यहाँ कोई नहीं हमारे सिवा, ये तेरा कहना है, यहाँ कोई नहीं हमारे सिवा, ये तेरा कहना है, फिर तेरे चेहरे पर यह घबराहट किस बात की है। जाने से इनकार कर रहा है, तो उस बेहिसाब के हिसाब का सबर ना गया, उस बेहिसाब के हिसाब का सबर ना गया, उसकी बात का आज तक असर ना गया, उस बेहिसाब के हिसाब का सबर ना गया, उसकी बात का आज तक असर ना गया, वो पहचानने से इनकार कर रहा था।